दोस्तों सामने आपके हुंडई ऑरा का ये बेस सेकेंड वेरिएंट है, आपका एस वेरिएंट आ जाता है, ये आपका पेट्रोल में आ जाएगा। तो लुक आप लोग देख सकते हैं फ्रंट का, तो गाड़ी का कुछ इस तरीके का मिल जाता है, व्हाइट कलर में गाड़ी आएगी और इसका 6,93,000 में आपको मिल जाती है ये गाड़ी देखने को यहाँ पे एक्स शोरूम में खन्ना हुंडई अकबरपुर में। तो गाड़ी का एक्सटीरियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे इंटीरियर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बोनट का डिज़ाइन तो ये मिल जाता है प्यारा सा, और यहाँ पे जो हैलोजन में हेडलैम्प्स आपको इसमें गाड़ी में मिल जाती हैं, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे दो आपको DRLs गाड़ी में मिल जाते हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको फॉग लैम्प क्रोम फिनिश के साथ में। तो ये मिलता है ब्लैक कलर का आपको मिलता है वर्क, और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे बम्पर का डिज़ाइन इस तरीके का, और ग्रिल का डिज़ाइन देख सकते हैं तो ग्रे फिनिश में आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टॉप सेलिंग कार है आप लोग देख सकते हैं हुंडई ऑरा, और यहाँ पे इसमें देखेंगे इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। यहाँ से एक्सटीरियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं तो ये मिल जाती है कुछ इस तरीके की एक्सटीरियर प्रोफाइल इस तरीके की गाड़ी की, और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मिल जाते हैं व्हील कवर के साथ में आपके व्हील्स, इसका साइज आपको मिल जाएगा R14 इंचेस का, तो ये मिल जाता है। और गाड़ी में आपको 1200 सीसी का इंजन मिल जाएगा, और इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं तो 20 किलोमीटर का माइलेज आपको क्लेम किया जाता है कंपनी की तरफ से, तो ये मिलता है। और यहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर है साइड में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे इस तरीके के, और यहाँ पे ORVM आपको देख सकते हैं बॉडी कलर में आपको मिल जाएगा, तो ये व्यू आएगा। और यहाँ पे डोर हैंडल देख सकते हैं तो बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, ये लुक आता है गाड़ी का पूरा, ये लुक आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का तो इस तरीके का मिल जाता है। बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल यहाँ पे मिलते हैं, बैक का लुक आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ भी आपको बॉडी कलर में मिल जाएगा, ये पूरा लुक आता है आपका गाड़ी का। और यहाँ पे व्हील आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके का मिल जाए, सिल्वर कलर आपको इसमें मिल जाता है। और गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है ये बहुत ही कूल लुक आता है इसका देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके का रियर प्रोफाइल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर का ये आपको वर्क मिलता है, ये इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा देगा। ये आपकी न्यू ऑरा है जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉयलर आपको गाड़ी में मिल जाता है, तो यहाँ पे अब जो न्यू गाड़ी आती है इसमें आपको स्पॉयलर मिलता है, यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प मिलता है गाड़ी में, तो ये लुक आता है। और यहाँ पे डिफॉगर्स मिल जाते हैं बैक में, और ये रियर प्रोफाइल में आपको यहाँ पे देखिए रेडियो एंटीना मिल जाता है गाड़ी में, तो ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे जो टेल लैम्प का लुक है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे टेल लैम्प का लुक आता है, ये आपको सी शेप डिज़ाइन में आएगा, लॉन्ग सी आपको बनता है। यहाँ पे भी स्टॉप लाइट मिलती है, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे, रिवर्स पार्किंग लाइट यहाँ मिलती है, डुअल सेंसर आपको यहाँ पे गाड़ी में रिवर्स में मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑरा की बैजिंग आपको मिलती है, क्रोम फिनिश में हुंडई का लोगो मिल जाता है, तो ये मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो ये आपको क्रोम फिनिश में यहाँ पे स्ट्रिप मिल जाती है, ये चीज़ लुक देती है, और ये ब्लैक पियानो का ये साथ में आपको वर्क यहाँ पे मिलता है, तो ये गाड़ी में लुक मिलता है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं गाड़ी में, इस तरीके का व्यू आता है। और फुल टैंक कैपेसिटी देख सकते हैं, 37 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग देखेंगे तो इसमें 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में मिल जाएगा, जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो गाड़ी में हम भी हम लोग चलेंगे इंटीरियर में और देखेंगे इंटीरियर का प्रोफाइल तो वो किस तरीके का आता है वो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं व्यू, और यहाँ पे अपर व्यू आपको एक बार गाड़ी का दिखा देते हैं, तो ये अपर व्यू आता है यहाँ पे, ये स्पोर्टी लुक दिया जाता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इंटीरियर में क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ इंटीरियर में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको मिल जाएगा डोर का लुक इस तरीके का, डुअल डोर में मिलता है ये आपको, यहाँ पे ग्रे फिनिश का वर्क यहाँ पे दिया जाता है, ब्लैक में नहीं मिलेगा जो कि अच्छा लुक देता है। और यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे ब्लैक टोन में वर्क मिलता है, यहाँ पे मिरर लॉक की बटन है, चारों पावर विंडोज मिलती है, यहाँ पे ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन है, लॉक अनलॉक की बटन है, यहाँ से आप देखिए ORVM को आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये बटन आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे बॉटल स्टोरेज मिलता है, और यहाँ पे अनलॉक की बटन जो आपको ब्लैक कलर मिलती है, ये आपको देखिए व्हाइटिश कलर में आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये मिलेगा। यहाँ पे बॉटल स्टोर मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, तो 4 स्पीकर आपको गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, तो ये आता है पूरा इंटीरियर का लुक। यहाँ से देख सकते हैं ये प्यारा सा लुक आएगा। और यहाँ पे देखिए सीट एडजस्टमेंट और हाइट एडजस्टमेंट बोथ की आपको देखिए दोनों बटन यहाँ पर मिल जाती हैं, तो ये फीचर आपको मिलता है। सीट्स जो है आपको हार्ड टच में मिलती हैं, और जो लुक है इनका प्रीमियम लुक आता है, यहाँ पर फिक्स्ड में हेडरेस्ट आपको बोथ साइड में मिल जाएंगे। तो गाड़ी के अंदर चलेंगे और बैठ के देखते हैं स्पेस कितना मिलता है वो हम लोग चेक करते हैं। गाड़ी के अंदर आएगा पूरा स्टेयरिंग का लुक इस तरीके का मिल जाता है, आपको देख पा रहे होंगे पूरा ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसमें आपको ग्रे कलर का वर्क मिलेगा, तो ग्रे फिनिश में आप लोग देख सकते हैं ये मिलता है आपको स्टेयरिंग का लुक इस तरीके का। और यहाँ पे हुंडई में क्रोम फिनिश में लोगों में एक छोटा सा, यहाँ पे मोड्स के बटन मिलते हैं, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट, यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पे देखिए बटन्स वगैरह नहीं मिलेगी, यहाँ पे एयरबैग मिलता है, 2 एयरबैग आपको मिल जाएंगे गाड़ी में। और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश का देखिए वर्क यहाँ पर मिलता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये आपको यहाँ मिलेगा, ये सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर वर्क मिल जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक, तो वो हम लोग चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में
तो ये मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक इस तरीके का। लेफ्ट साइड में आरपीएम मिलता है, यहाँ पे आपको एमआईडी मिल जाती है जिसमें आपको ट्रिप डिस्टेंस, फ्यूल जो भी इकोनॉमी सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। राइट साइड में आपको 220 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड इसमें मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी स्पीड इसमें दी जाती है। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो है वो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मल आपको स्क्रीन मिल जाती है डिजिटली, यहाँ से आप लोग जो एफएम वगैरह प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी आप प्ले कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑडियो बटन मिलता है, फोन का फेवरेट का, यहाँ पे ट्रैक वगैरह आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाती हैं, ये मिल जाएंगी, और यहाँ से एंटर का बटन, ये चीज़ मिलती है। यहाँ पे दो एसी के वेंट्स आपको मिलते हैं, पार्किंग लाइट की बटन यहाँ पे मिलती है, और डैशबोर्ड का लुक आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके का मिल जाता है आपको। यहाँ पे जो है ये आपको कॉपर फिनिश का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और एसी के वेंट्स हैं ये प्रोपल्शन डिजाइन में, आपको यहाँ पे एसी के वेंट्स ये मिल जाते हैं जो कि अच्छा लुक देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिल्वर फिनिश का वर्क आपको यहाँ पे साइड में मिल जाता है, तो ये लुक आपको मिलता है गाड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको एसी के कंट्रोल से यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ से फैन कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ से एसी ऑन ब्लोअर कर पाएंगे, यहाँ से एसी ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे यूएसबी पॉइंट मिलता है, यहाँ पे आप देखिए यूएसबी चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मोबाइल स्टोरेज मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मिल जाता है गियर बॉक्स, 5 गियर बॉक्स के साथ में लेदर का कवर मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी का वर्क है ये, आपको यहाँ पे भी कॉपर फिनिश ही है, बोथ साइड में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए मोबाइल स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे देखिए ग्लव बॉक्स मिलता है बड़ा सा इस तरीके का मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड व्यू, तो इस तरीके का साइड व्यू आपको यहाँ पे गाड़ी में मिल जाता है, तो ये मिल जाएगा पूरा आपको साइड व्यू गाड़ी का। और गाड़ी में देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है ये सन वाइज़र भी टिकट होल्डर, और यहाँ पे लैंप लाइट आपको एक मिल जाती है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाता है सन वाइज़र। यहाँ पे माइक्रोफोन कंट्रोल मिलेगा, और ये आपका इंटीरियर का लुक लेफ्ट साइड डोर का, तो ये इंटीरियर का लुक मिल जाता है। यहाँ पे फिक्स्ड में ग्रैब हैंडल मिलते हैं, तो अभी हम लोग चलेंगे बैक वाली सीट में और देखेंगे स्पेस कितना मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं दो कप होल्डर मिलते हैं, यहाँ पे स्टोरेज मिलेगा, हैंड ब्रेक मिलता है ब्लैक बटन फिनिश के साथ में, तो ये लुक आ जाता है। चलते बैक वाली सीट में और चेक करते हैं स्पेस कितना मिलता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसको अभी हम लोग करते हैं क्लोज और देखते हैं बैक वाली सीट में स्पेस कितना मिल जाता है यहाँ पे। तो बैक वाले डोर का लुक आप लोग देख सकते हैं, ये आपको मिल जाता है डुअल टोन में मिलेगा, यहाँ पे ग्रे फिनिश मिलता है, और यहाँ पे आपको व्हाइटिश कलर आपको मिल जाता है, पीच कलर कह सकते हैं। यहाँ पे बॉटल स्टोर में मिल जाएगा, ये ब्लैक कलर यहाँ पे मिलता है, और ये आपको अनलॉक का बटन ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा, तो ये पूरा लुक आता है। यहाँ पे स्पीकर इस जगह मिलता है, बॉटल स्टोरेज यहाँ पे मिलेगा, और इंटीरियर का लुक देख सकते हैं। तो स्पेस इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख पा लोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस गाड़ी में मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी में बैठ के देखते हैं, सीट्स जो है हार्ड टच में मिलती हैं आपको, और इसमें बैठ के देखते हैं स्पेस कितना मिलता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए कितना कम्फर्टेबली मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, इस तरीके का व्यू आता है पूरा, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे आपको मिलती है, 3 लोग आराम से आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और स्पेस की अगर बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं पूरी सीट को बैक में कर दिया, और यहाँ पे लेग रूम जो है बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे बैक में एसी के वेंट्स 2 मिल जाएंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट का देखिए सॉकेट मिल जाता है, एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है बैक में, तो ये पूरा व्यू आता है सीट का। और अंडर थाई रेस्ट जो है ये आपको पूरा यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिल जाता है, ये आता है सीट का व्यू। और बैक में भी आपको देखिए बोथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, ये चीज़ लुक मिलती है। और आर्मरेस्ट भी गाड़ी में देखिए आपको मिल जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा आर्म रेस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मिल जाता है गाड़ी में आर्म रेस्ट देखिए मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये वर्क आपको अच्छा मिलता है, तो ये चीज़ गाड़ी में देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी कंफर्टेबली आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ये चीज़ आपको आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली मिल जाएगी, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। फिक्स्ड में ग्रैब हैंडल आपको बैक में मिल जाते हैं, ये चीज़ मिलती है। लैंप लाइट यहाँ पे मिड वाली सीट में आपको इस जगह पे देखिए मिल जाती है, तो लुक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लग्जरी फील है गाड़ी का आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो बैक में है यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको मिल जाता है, यहाँ पर सपोर्ट पार्सल ट्रे वगैरह का नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड में आपको ये चीज़ मिल जाती है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा व्यू आएगा, हम लोग गाड़ी में चेक करेंगे बूट कितना मिलता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग इसको गाड़ी को करते हैं क्लोज और बूट ओपन करते हैं, तो बूट देखते हैं वो कितना मिल जाता है। तो यहाँ से बटन से देखिए बूट को ओपन करते हैं और अभी चेक करेंगे बूट गाड़ी का कितना मिलता है। तो यहाँ से अभी टेलगेट को ओपन करते हैं और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे तो टेलगेट को ऐसे ओपन कर देते हैं, और ये हमारा टेलगेट है ये जो आपका ओपन हो जाता है। और यहाँ पर स्पेस जो है आप लोग देख सकते हैं,
तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिलता है। 402 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, जो कि इस सेडान सेगमेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से आप लोग लगेज इसमें कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लगेज कैरी कर पाएंगे। तो ये पूरा गाड़ी का व्यू आता है, और यहाँ से एक बार देख सकते हैं व्यू, तो ये मिलता है पूरा गाड़ी का व्यू, इस तरीके का आता है। यहाँ पर ये पूरा व्यू आ जाएगा। और गाड़ी देखने के लिए अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो खन्ना हुंडई अकबरपुर आके विजिट कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, फिर से आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके के कार वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।